हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेकर हाजिर हैं बॉलीवुड से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हाँ, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ अपनी फिल्मों के साथ साथ निजी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहती है। वेल दोस्तों, आप सभी को बता दिए कि जब भी उन्हें किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल के बाहर जाते हुए देखा जाता है तो ये अटकलें लगनी शुरू हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं इन सब अटकलों के बीच अब खुद कैटरीना कैफ ने बेबी प्लानिंग पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपने दोस्तों के सामने बेबी को लेकर पूरी प्लानिंग शेयर की है। एक्ट्रेस ने बताया कि वह फिल्म पूरी होने के बाद ही ये कदम उठाएंगी। जी हां दोस्तों, ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने ये डिसाइड किया है कि वह अपने पहले बच्चे की प्लानिंग फरहान अख्तर की मूवी जी ले जरा के पूरे होने के बाद करेंगे। बता दें कि इस मूवी में कैटरीना कैफ के साथ साथ प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट भी लीड रोल में नजर आएंगी। कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने ये प्लानिंग अपने दोस्तों से शेयर की। कैटरीना कैफ ने अपने दोस्तों से इस बारे में कहा था कि मुझे बेबी प्लानिंग पर फिल्म की शूटिंग होने के बाद ही करनी चाहिए, वो फिल्म जो मैं विजय सेतुपति और फरहान अख्तर के साथ कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ये कपल कितने ज़्यादा पसंद है कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि मूवी जी ले जरा फरहान अख्तर बना रहे हैं, तो वहीं विजय सेतुपति संग कैटरीना कैफ की मूवी श्री राम राघवन डायरेक्ट कर रहे हैं और इसका टाइटल मैरी क्रिसमस है। वाले इस अपडेट पर हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।